अमर शहीद 21 वर्षीय अग्निवीर जवान प्रदीप यादव के शहादत के बाद आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक के गांव दोन पहुंच रहा है। उनके शहादत पर पूरे सिवान जिला के लोग रो पड़े हैं। जिलावासियों को गर्व भी है कि उनके मिट्टी का लाल देश के लिए शहीद हुआ है। पार्थिव शरीर दानापुर कैंट से निकलकर सिवान पहुंच चुका है। वहीं सिवान से मैरवा के रास्ते दोन पहुंचेगा। वहीं मैरवा में हजारों की संख्या में अमर शहीद जवान प्रदीप यादव के सम्मान में लोग खड़े हैं। देशभक्ति गानों से पूरा का पूरा वातावरण गुंजायमान है। सुबह से ही जवान की एक झलक पा लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बता दें कि अमर शहीद अग्निवीर जवान प्रदीप यादव का राष्ट्रीय सम्मान के साथ दरौली सरयू नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके लिए हम कहेंगे कि देश का हमारा जो सिपाही था, जो लमसम साल भर पहले ही ज्वाइनिंग किया था और देश के लिए शहीद हो गया, उसके मान सम्मान में हम लोग खड़े हैं। उसकी मान सम्मान करेंगे, फूलों से उसका मल्यार्पण करेंगे। उसके लाश के साथ हम लोग दरौली भी जाएंगे। उनका मान सम्मान जो वहाँ होता है, दाह संस्कार, उसके में आगे रहेंगे और उसके उज्जवल भविष्य की हम कामना भी करेंगे। कि बेचारा तो नहीं रहा इस दुनिया में, देश के लिए हमारे गांव का नाम, हमारे जिले का नाम रोशन करके गया। बस क्या लग रहा है, कितने का संख्या है मैरवा धाम पे उनके? तो हजारों से बेसी लोग हैं मैरवा धाम में। पूरा गाँव जुटा हुआ है, पूरा मैरवा जुटा हुआ है, पूरा दोन गाँव के लोग आए हुए हैं इस यहाँ पर उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए, उनके मान सम्मान के लिए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर? युवाओं को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी युवा हमारे सेना में भर्ती हुए, हमारे देश के रक्षा के लिए शहीद हुए हैं, उनको ये सीख मिलना चाहिए कि हमें देश के लिए हमारा नौजवान, हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा साथी जो शहीद हुआ है, उसके लिए हर एक आगे नौजवान बढ़े और दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देकर शहीद हो। ऐसा ना हो कि हम चीने पर गोली खा के आए, देखिए हमारा जो हमारा ही नौजवान, हमारा देश का नौजवान जो दोन बाजार का रहने वाला है, वो दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुआ। अपना परिचय बता दें। सुनील कुमार मदेसिया, पूर्व चेयरमैन, पुत्र मैरवा। क्या कहेंगे शहीद जवान के आप लोग शव यात्रा में शामिल होने के लिए? यहाँ पर स्वागत उनके खड़े हैं हम लोग, यहाँ सभी लोग हजारों की संख्या में स्वागत करने के लिए खड़े हैं। उनके साथ हम लोग जाएंगे दोन के गांव में, वहाँ हम लोग स्वागत करेंगे। यहाँ से स्वागत करके एक साथ लेकर जाएंगे दोन गांव में। जिस तरीके से सिवान का लाल जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ है, अन्य युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अन्य युवा और भी ऐसे बॉर्डर पर जाकर और लड़ाई करे, बॉर्डर पर जाकर दुश्मनों से बदला लें, समर्थन लें। अपना परिचय बताइए। कुशवाहा।